दो हजार तेरह का सवाल है क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज ऑप्शन है सर्कल हाइपरबोला एलिप्स या फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन नाउ अगेन सिंपल सवाल है बेसिक्स अगर अपने यहाँ क्लियर है तो बहुत आराम से सवाल हो जाएगा हमें यह दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स वो आपका वेरी कर रहा है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी हालांकि इसको कैपिटल ए लिख लेते हैं ये आपका एम्पलीट्यूड है और आपका एक्स ऐसे वेरी कर रहा है ना इसको अगर हम वेलोसिटी uh, निकालना होगा तो हम वी को लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी अपने जो आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा ए साइन uh, का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे ये बनेगा एमेगा कॉस ऑफ ओमेगा ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी नाउ मोमेंटम अगर आपने को पता करना है तो so मोमेंटम होएगा एम वी यानी कि एम ए ओमेगा कॉस ऑफ टी आपकी क्वेश्चन नंबर टू ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हमें x और uh, p के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है नाउ x और p के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर वन को a से और इसको अगर हम डिवाइड कर दें एम ओमेगा से तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय a विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह देते हैं इसको अगर हमने डिवाइड किया पी डिवाइडेड बाय एम ओमेगा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी आपकी क्वेश्चन नंबर फोर हो गई ना हमें बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें हम कर रहे हैं थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अगर हम ये स्क्वायर अगेन कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर आपको कैसे पता चला हमें रिलेशन बताना है एक्स और पी के बीच में यानी कि हमें टी की सुपारी देनी होगी टी को हमें उड़ाना होएगा टी को उड़ाने के तरीका क्या हो सकता है अगेन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कई बार ये डिवाइड करके उड़ता है लेकिन इस केस में अगर साइन और कॉस दोनों हैं तो आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तो अपना रिलेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन नाव ये इक्वेशन जो आपकी बनी ये आपकी इक्वेशन बन गई है आपकी इलिप्स की इक्वेशन ये इलिप्स की इक्वेशन ऐसे हो जाएगी इसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन है तो आपका जो ग्राफ uh, बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा या आपका पी है या आपका एक्स है तो आपकी एलिप्स की इक्वेशन आ गई सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एलिप्स